प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में स्वागत है। आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे द्विघात समीकरण के हम प्रश्नों की बात करें तो 5 अंक के प्रश्नों में एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाना है। तो इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए, और जिसे एक्स ऋण 1/x बराबर 3 या x धन 1/x बराबर 3। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था पिछले सत्र में, और 2x² धन x ऋण 4 बराबर 0। इनका आप अभ्यास कर लें सूत्र विधि से हल करने का। फिर इसके बाद इसमें गुणनखंड विधि पे आधारित क्वेश्चन है, जैसे गुणनखंड विधि से 2x² ऋण 7x धन 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 5x² ऋण 6x ऋण 2 बराबर 0 का अभ्यास कर लें आप। या दूसरा प्रश्न है 2x² ऋण 7x धन 3 का अभ्यास कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये दोस्तों, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसके बाद ये प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों का तो आप अभ्यास करके ही जाएं, जैसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है और संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रश्न का जरूर अभ्यास करके जाएं, इस वर्ष परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया, तो इस प्रश्न और इस प्रश्न का अभ्यास आप जरूर करके जाएं। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो यहाँ के का मान ज्ञात करना है हमको विभिक्तिकर के सूत्र से। इसमें के मान हम ज्ञात कर सकते हैं मूल बराबर होने की स्थिति में। जानते हैं कि बी का वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप अभ्यास कर लें, 5 अंक में ये प्रश्न शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अगले अध्याय की बात करें, जो कि 5 अंक के प्रश्न जिसमें पूछा जाना है वह है त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं कि 5 अंक में शामिल हो सकते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रकार के, जैसे मान ज्ञात कीजिए sin² 63 धन sin² 27 / cos² 17 धन cos² 73। तो इसमें मान ज्ञात करना है। अगला प्रश्न जो कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 1 धन साइन ए / 1 ऋण साइन ए बराबर से के धन टेन ए होता है। तो इन प्रश्नों को हम अगले हमारे वीडियो में समझाएंगे हम किस तरीके से सरल करना है, बहुत ही सिंपल सरल विधि से कैसे किया जा सकता है। इसके बाद सिद्ध करो कि cos θ ऋण cot θ बराबर, यहाँ पे cot θ बराबर स्क्वायर बराबर 1 ऋण cos θ / 1 धन cos θ। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये इसका हमें अभ्यास करना है। इसके बाद अगला प्रश्न चौथे नंबर का, सिद्ध करो कि cos a / 1 धन sin a धन 1 धन sin a / cos a बराबर 2 sec होता है। तो इन प्रश्नों का जरूर हम आगे के वीडियो में आपको सरल करना समझाएंगे। इसके बाद सिद्ध करो कि 1 धन sec a / sec a बराबर sin² a / 1 ऋण cos a। और अंतिम प्रश्न ज्यामिति विधि से सिद्ध करो कि sin² θ / cos² θ बराबर 1 होता है। तो इन सभी प्रश्नों का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से इसको सिंपल तरीके से सरल करना है। अगले 5 अंक आपको अध्याय नंबर 11 से प्राप्त होंगे, जो कि 5 अंक के, चूँकि 5 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है वो रचनाएँ से आएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रश्न इस तरीके से हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है हमको, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं से 7/5 गुनी हों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद इनका भी अभ्यास करें आप, जैसे एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हों। फिर इसके बाद अगला प्रश्न जिनका जो कि परीक्षा में 2019 में पूछा गया था, एक त्रिभुज के ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएँ ABC की संगत भुजाओं के 5/3 हों। तो इनका हम अभ्यास करेंगे। इसके बाद और प्रश्न जिनका हम अभ्यास कर लें ताकि 5 अंक हमें प्राप्त हो सकें, जैसे 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं एक
एक युग में निर्मित करना है हमको। और फिर इसके बाद पांचवा इसमें दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचना है जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। और इसमें इस प्रश्नों का भी अभ्यास करें जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमें खींचना है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लेना है, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो हम ये सारे प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में जरूर बना के बताएंगे कि किस तरीके से हमको रचनाई करनी है। इसके बाद अंतिम प्रश्न इसमें इसका अभ्यास कर लें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है जिसकी लंबाई हमको मापना है, इसका परिकलन से इस माप की हमको जाँच करना है। तो इस प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से अध्याय 13 से। इसमें आप देख रहे हैं 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है उनको हम थोड़ा सा देख लें। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया घन बनाया गया, इससे प्राप्त होने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर तैयार करें। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, इस जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आकृति दी गई, इस प्रश्न का आप अभ्यास जरूर करें। इसके बाद इसमें 5 अंक में और भी प्रश्न है, जैसे मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो शंकु के गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। अब इसमें चौथा प्रश्न जो है इसको इस तरीके से आप देखें तो व्यास 1 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो इसकी मोटाई ज्ञात करना है हमें तार की। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका अभ्यास करें। इसके बाद पानी से भरी हुई, ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि सन 2019 में पूछा गया था। पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली कर दिया जाता है, यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में खाली हो जाएगी, इस पाई का मान यहाँ पे 22/7 ज्ञात है। तो ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। इसके बाद छठवां प्रश्न है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका हम अभ्यास करें। इसके बाद सातवां प्रश्न है इसमें कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि प्रश्न जरूर शामिल किए जाएंगे इस प्रकार के। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि 2019 में पूछा गया था, एक शंकु के छिन्न का आयतन 45 सेंटीमीटर है और सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो आयतन की गणना कीजिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि पानी पीने वाला ग्लास जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और एक शंकु के छिन्न का आकार का है, तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इस ग्लास की धारिता यानी छिन्न का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो इन प्रश्नों का जरूर आप अभ्यास करें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा की दृष्टि से अंतिम जो प्रश्न आता है 5वें नंबर का, वो सांख्यिकी चैप्टर से होता है, जिसमें कि आप देख रहे हैं 5 अंक का एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे कि 2019 में ये प्रश्न आया था, दिए गए आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग अंतराल 10 से 25, 25, 40, 40, 55 इस प्रकार से दिया गया। तो 10 से 25 में विद्यार्थियों की संख्या 2, 25, 40 में 3, 40, 55 में 7, 55, 70 में 6, 70, 85 में 6 और 85, 100 में 6, तो इसका एक समांतर माध्य ज्ञात करना है। कोई भी किसी भी विधि से आप इसका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न बंटन में एक द्विशी क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाते हैं, तो एक उपयुक्त विधि चुनते हुए किसी विधि से आप इसमें माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विकेटों की संख्या दी गई है 20 से 60, इसमें गेंदबाजों की संख्या 7 है और 60 से 100 में 5 विकेट लिए गए गेंदबाजों के द्वारा, 5 गेंदबाजों की संख्या, 100 से 150 में 16 गेंदबाज, 150 से 250 में 12 गेंदबाज और 250 से 350 में 2 गेंदबाज, तथा 350 से 450 में 3 गेंदबाज। इस प्रकार से ही अगला प्रश्न है, इसमें तीसरा
जैसे दिया गया आपके स्क्रीन में, निम्न सारणी में 35 नगरों की जनसंख्या साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है और माध्य साक्षरता की दर ज्ञात करना हमें, तो साक्षरता दर दी गई है 45-55, तो नगरों की संख्या दी गई है इसमें 3, 55 से 65 में 10 और 65-75 में 11, 75-85 में 8 और 85-95 में 3। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न था ये। चौथा प्रश्न, इसमें चौथे प्रश्न में आप देख रहे हैं विद्यार्थियों के समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों को किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्न आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक पे आधारित प्रश्न है ये। परिवार की माप 1 से 3 में, परिवारों की संख्या 7 है और 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है और 9 से 11 में 1 है। तो यहाँ पे 2019 में ये प्रश्न आप देख रहे हैं पूछा गया बहुलक का। इसके बाद अगला प्रश्न जो कि जिसमें हम बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है हमें, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 से 15 में 6 रोगियों की संख्या, 15 से 25 में 11, 25-35 में 21, 35-45 में 23 और 45-55 में 14 और 55-65 में 5। और फिर इसके बाद छठवें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि नीचे दिए हुए बंटर में विद्यार्थियों की संख्या 30, इनका भार दर्शाया जा रहा है, तो माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ माध्यक की गणना करने के लिए यहाँ पे भार दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी गई, तो ये 40-45-2, 45-50 में 3, 50-55 में 8, 55-60 6, 60-65 में 6 और 67-70 में 3 और 70-75 में 2। इस तरीके से इसमें माध्य ज्ञात करना है। और इसका अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं जिसका आप अभ्यास करें, निम्न आंकड़ों में किसी व्यक्ति के 50 श्रमिकों द्वारा दर्शाया गया दैनिक आय है और इसकी दैनिक आय 100 से 200, 120, 140, 140, 140, 160, 160, 180 और 180 से 200 श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 है। अब इस उपरोक्त बंटल में एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटल में हमको इसको बदलना है और इसका तोरण भी खींचना है। इसका हम चाहें तो ये माध्य पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें माध्य भी ज्ञात करना हम अभ्यास कर लें ताकि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आप इसको सरल कर सकें। तो मित्रों, आप बच्चों आपने देखा कि 5 अंक के 5 प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसमें से 5 अंक के 5 प्रश्न अर्थात हमारी 25 अंक की तैयारी आसानी से हो जाएगी। आप इनका अभ्यास जरूर करें। वीडियो आपने देखा, आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।